यूक्रेन युद्ध पर एक और बड़ी खबर। रूस ने यूक्रेन पर बड़ा आरोप लगाया है। रूस ने दावा किया है कि डोनेस्क में यूक्रेन के हमले में 23 लोग मारे गए। डोनेस्क वही इलाका है जिसे युद्ध शुरू होने से पहले रूस ने स्वतंत्र देश घोषित कर दिया था। नीरज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, क्या आरोप है रूस का? किशोर, रूस का आरोप है कि मिसाइल हमले में यूक्रेन की तरफ से ये मौतें हुई हैं, 23 लोगों की मौत हुई है, 23 लोगों में सिविलियन हैं, बच्चे हैं। और ये आरोप लगाया है रूस ने यूक्रेन पर कि युद्ध अपराध है और उनकी कमेटी की तरफ से इसकी पूरी जांच की जा रही है। और यूक्रेन पर ये आरोप लगाया गया है रूस की तरफ से कि उस इलाके में किसी तरह की लड़ाई नहीं हो रही थी, अभी वहां रिहायशी इलाके में मिसाइल से हमला किया गया है। शुक्रिया नीरज आपका। इस बीच यूक्रेन के साथ चल रही जंग की वजह से छुट्टी मनाने थाईलैंड गए रूस के हजारों पर्यटक वहां फंस गए। ऐसा इसलिए क्योंकि यूक्रेन पर हमला करने के बाद अमेरिका समेत कई देशों ने रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लागू कर दिए, जिसके बाद अमेरिका की कई बड़ी कंपनियों ने भी रूस में अपनी सेवाएं बंद कर दी। इनमें वीजा कार्ड और मास्टर कार्ड भी शामिल है। यही नहीं, इन कार्ड के भरोसे छुट्टी मनाने थाईलैंड पहुंचे रूस के 5,000 से ज्यादा सैलानी वहां फंस गए। और तो और, यूक्रेन पर हमले के विरोध में कई देशों ने रूस के लिए अपनी एयर स्पेस बंद कर दी। यही नहीं, विमान सेवा देने वाली रूस की कंपनी एयरफ्लोट ने भी अपनी सेवाओं पर रोक लगा दी, जिससे रूस के पर्यटकों की परेशानियां और बढ़ गईं। हालांकि थाईलैंड ने रूस के लिए अपनी एयर स्पेस बंद नहीं किए, ना ही वहां से आने वाली उड़ानों पर प्रतिबंध लगाया है।